व्यक्ति आजकल पार्टी से ज़्यादा नीति और नियत देखती है। अगर जिसकी नीति और नियत साफ होती है, व्यक्ति आजकल उसको चुन रहा है। पुराना समय गया कि लोग उन्हें पैसे ले लिए, दारू ले लिए, बिक गए। नीति की बात, नियत की बात, तो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो नियत किस हिसाब से बोल दें कि उनकी साफ है? डेपोजिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट 2013-14 का है ये। आप खुद आप अपने हिसाब से आप लाइव पे दिखा सकते हैं ये कितना है? जो भी हो, लेकिन राष्ट्र हित में जो काम करेगा हम लोग उसके साथ में हैं। 2003 में सरकार बनने से पूर्व 26,000 करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश शासन पे था और वर्तमान में वो 4,00,000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है और करीब 25-30 लाख करोड़ रुपए के करीब हर साल ब्याज देती है मध्य प्रदेश सरकार। यूपीए सरकार जब बनी तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, भारत के ऊपर 67,00,000 करोड़ का कर्जा लिया गया 10 साल में। 72,000 करोड़ खाली केंद्र सरकार जब आई थी 2014 में, तो 72,000 करोड़ खाली ब्याज जाता था 67,00,000 करोड़ का। देखो मतलब जो भाई साहब हैं, ये जानकारी का अभाव में, अगर जब जानकारी का अभाव होता है तो व्यक्ति ऐसे ही बात करता है। ये बोला जानकारी का अभाव। आप एक चीज़ बताइए, गूगल को मानते हैं? इंडियन जीडीपी को मानते हैं? ये देखिए, ये इंडियन जीडीपी का है, ये हमने निकाला है। नहीं, आपको जानकारी का नहीं हो सकता है? मुझे जानकारी का अभाव हुए भैया, कांग्रेस से तेजी हैं, वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। हम लोग राष्ट्र से तेजी हैं तो हम लोग तो राष्ट्र, हम लोग ये कांग्रेस ही तैसी या राष्ट्र ही तैसी की बात कहाँ से आ जाती? बीजेपी को अगर बात करते हैं, बीजेपी का विरोध वो राष्ट्र का विरोध कैसे हो सकता है? हाँ, तो बरगी विधानसभा की हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस विधायक संजय यादव हैं और लोगों से हमने बातचीत की तो संजय यादव को लेकर के एक सकारात्मकता यहाँ क्षेत्र में दिखाई देती है। आपका क्या कहना है उनके बारे में? देखो, चाहे संजय यादव हों और चाहे कोई भी विधायक हों, विधायक जी जो होते हैं वो तो अपना कार्य अच्छे से करते हैं। व्यक्ति आजकल पार्टी से ज़्यादा नीति और नियत देखती है। अगर जिसकी नीति और नियत साफ होती है, व्यक्ति आजकल उसको चुन रहा है। पुराना समय गया कि लोग उन्हें पैसे ले लिए, दारू ले लिए, बिक गए। आज का युवा या हर वर्ग जागरूक है, वो देख रहा है कि राष्ट्र हित में क्या है। जो राष्ट्र हित में होता है आज राष्ट्र सर्वोपरि है, जो अच्छा करेगा वो चुना जाएगा। तो यहाँ पर संजय यादव को दोहराने की, संजय यादव जी बरगी विधानसभा से हैं और हम लोग पाटन विधानसभा से हैं। अजय बिश्नोई जी के क्षेत्र से आप हैं? अजय बिश्नोई जी के क्षेत्र से हैं। तो अजय बिश्नोई जी का क्या हालचाल है? अजय बिश्नोई जी बहुत बढ़िया विधायक, पहले मंत्री रहे और आज इतना लंबा कैरियर है उनका राजनीति का, जिसका हम लोगों को लाभ मिला है। आज पाटन और मझौली की अगर बात करें तो दशा दोनों बदली हैं उनने, इतना विकास किया है, हर जन जन की आवाज़ सुनते हैं। उनका एक दरबार भी लगता है कहना चाहिए पाटन में, उनका पाटन है, मझौली है। आज तक हम मतलब जब हम लोग वोटर लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं आता था, उस समय से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अजय बिश्नोई जैसे विधायक जिसने आज तक अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया, आप 2 बजे रात फ़ोन लगाओ तो 2 बजे रात बात करते हैं, क्या समस्या है, तत्काल उन समस्याओं का समाधान होता है। यहाँ से लेकर भोपाल तक की स्थिति ये है कि अगर कोई बीमार है तो तत्काल मेडिकल में उसकी व्यवस्था हो गई, कोई गरीब आदमी है भैया उसकी व्यवस्था नहीं बन रही तो वो व्यवस्थाएँ करते हैं। अंतर इतना है, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि आदमी भैया हमारा काम ऐसा हो जाएगा, उन मतलब विधायक जी के यहाँ तक सही बात पहुँचाने वाला आदमी चाहिए। अगर उनके पास आप बात पहुँचाओगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। संदेश पहुँचना चाहिए, उसके बाद प्रतिक्रिया अवश्य होती है, तुरंत होती है। न्यायप्रिय आदमी है, जो सत्य होता है उसका साथ देते हैं। आपने उनका पूरा प्रस्तावना जो थे उनका पूरा परिचय दे दिया, आपने बात से सहमत नहीं है? जैसे कि भैया ने अभी कहा कि लोग पाटन से, जी हम पाटन विधानसभा से हैं, बीजा गांव के रहने वाले हैं हम, भैया की एक बात से सहमत नहीं है कि जैसे कि बात ये होती है कि नीति की बात, नियत की बात, तो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो नियत किस हिसाब से बोल दें कि उनकी साफ है? आज वो जिस हिसाब से प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, आज जैसे नियत की बात कर लें, 2014 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मतलब भाजपा का अगर अपन चुनावी पर्चा उठा के देखें, जिसमें चुनाव में उनके उद्देश्य रहते हैं, उसमें देखें तो सबसे पहले क्या था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। ठीक है, आज बेरोजगारी देश जब से आज़ाद हुआ है चरम पे है, टॉप पे है। ठीक है, दूसरी बात कि काला धन वापस लेके आएंगे, काला धन वापस आएगा तो हर आदमी के खाते में 15,00,000 रुपये आएगा। आज आपके खाते में आया या किसी के खाते में आया? काला धन तो वापस आया है, ऐसा तो है नहीं कि आया नहीं, तो नियत कहाँ है अब आप समझ लीजिए। तीसरी बात, ठीक है बेरोजगारी भी नहीं हुई,
और काला धन भी वापस नहीं आया, ना 2 करोड़ रुपए आया नहीं, ठीक। और आज से 2014 के पहले अगर नियति की बात करें, 2014 में गैस थी 400 रुपए, आज गैस है 1100 रुपए, 1150 1120 रुपए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ नियत की बात, ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात कि अगर हर चीज़ में देख लें, आज प्राइवेटाइजेशन, आज रेल प्राइवेट, LIC आदि प्राइवेट हो गई है, रेलवे पूरी प्राइवेट हो गई है, एयर इंडिया प्राइवेट हो गई है, अब नियत सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। अब एक चीज़ बताइए, बेरोजगारी और नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी बेरोजगारी, और बढ़ेगी। आज की डेट में सरकारी जॉब वैसे ही कम थी, अब और प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं तो सरकारी जॉब टोटल ख़त्म हो जाएंगी, है? तो ये आता जा रहा। अब आप नियत खुद सोच लीजिए कि नियत किसकी अच्छी है। आज की डेट में 2014 में अगर बात करें कि नियत ही बहुत अच्छी है, देश बोलते हैं कि भाजपा में बहुत तरक्की हुई, देश बहुत तरक्की हुआ, देश बहुत आगे बढ़ा। तो एक चीज़ बताइए, 2014 में देश के ऊपर जो कर्जा था 55,000 करोड़ रुपये, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से 2014 तक जितनी भी गवर्नमेंट आई, यहाँ की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, ना मैं कोई कांग्रेस से रिलेटेड कुछ बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट आई, कांग्रेस भी आई, जनता दल भी आई, बहुत सारी गवर्नमेंट आई, इस पूरे टाइम पीरियड में पूरी जितनी भी सरकारें हुई उन्होंने टोटल कर्जा जो लिया 55,000 करोड़ का लिया। और इस 2014 से 2022 के बीच में खाली 8 साल में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है 85,00,000 करोड़ का लिया, टोटल आज की डेट में इंडिया के ऊपर जो कर्जा है 1,55,000 करोड़ का। आप बताइए नियत किस हिसाब से लोग, क्या एक चीज़ बताइए आप, क्या लोन लेके देश की तरक्की हो जाएगी? आप भाई साहब बैठे हैं, हम ही बैठे हैं, अगर हम 10,00,000 रुपये लोन ले लें और बड़ी बड़ी गाड़ी ले लें, बड़े घर बना लें, बड़े बंगले ले लें, तो इससे क्या आप हमारी तरक्की मानोगे? हम ले लेते हैं जवाब। देखो मतलब जो भाई साहब हैं, ये जानकारी का अभाव में, अगर जब जानकारी का अभाव होता है तो व्यक्ति ऐसे ही बात करता है। अगर जैसे 2000 अभी बता रहा हूँ मैं नीति और नियत की बात कर रहा था विधायक जी की, ये आ गए केंद्र सरकार पे। तो केंद्र सरकार की अगर जहाँ तक बात करें तो UPA की जो सरकार थी, 55,000 करोड़ रुपए जो होते हैं ना, उसमें कर्मचारियों की पेमेंट नहीं हो पाती कर्जा, अगर तुम देश की बात कर रहे हो कि 55,000 करोड़ कर्जा था। आज मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 1.5 लाख और 2 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा है, 3 लाख करोड़। आंकड़े को थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, 4 लाख करोड़ का 26, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। 2003 में सरकार बनने से पूर्व 26,000 करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश शासन पे था, और वर्तमान में वो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है, और करीब 25 से 30 लाख करोड़ रुपए के करीब हर साल ब्याज देती है मध्य प्रदेश सरकार। UPA सरकार जब बनी तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, भारत के ऊपर 67,00,000 करोड़ का कर्जा लिया गया 10 साल में, 72,000 करोड़ खाली केंद्र सरकार जब आई थी 2014 में तो 72,000 करोड़ खाली ब्याज जाता था 67,00,000 करोड़ का, जिसको घटा घटा के आज मोदी जी ने 25,000 करोड़ पे ला दिया। अगर नीति और नियत की बात करें, जब से देश आज़ाद होने के बाद में पूरा देश और विपक्ष कहता था, मतलब जितनी पार्टियाँ आई, कि कभी 370 धारा नहीं हट सकती, नियत साफ थी तो 370 धारा हटी, आतंकवादी घटनाएं कम हुई, नियत साफ थी इसलिए 370 धारा हटी। आज इतने काम हुए हैं अगर देश के लिए कि आज अगर कोई बीमार जन्म, मतलब बच्चा जन्म लेता है, मृत्यु तक की योजनाएं हैं, अगर बच्चे कोई जन्म लेता है उससे लेकर मृत्यु तक की सरकारी योजनाएं चला रही हैं, अगर कोई बीमार हो जाए तो तत्काल 108 नंबर आ जाती है, किसी के यहाँ डिलीवरी है तो जननी सुरक्षा आ जाती है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, 12 रुपए का बीमा महीने पे 1 रुपए कटता है, और अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख मिलते हैं उसके परिवार को। ये नीति और नियत है कांग्रेस के समय में। पार्टी से क्या करना, पार्टी कोई भी हो जो योजनाएँ अच्छी बनाएंगी वो करेगा। आज भारत का नाम कहाँ पर है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, ये तो इनको भारत कहाँ पे, बेरोजगारी में भारत कहाँ पे, भुखमरी में भारत कहाँ पे, कहीं पर नहीं है। ये तो आप बिल्कुल निराधार बात कर रहे हैं, ये बोला जानकारी का अभाव। आप एक चीज बताइए, गूगल को मानते हैं, इंडियन GDP को मानते हैं? ये देखिए, ये इंडियन GDP का है, ये हमने निकाला है, डेट पोजीशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट 2013-14 का है, ये आप खुद आप अपने हिसाब से आप लाइव पे दिखा सकते हैं ये कितना है? जो भी हो, लेकिन राष्ट्रहित में जो काम करेगा हम लोग उसके साथ में हैं। 56,51,484 करोड़ रुपए ये कर्जा है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर 2012-2013-14 में, और ये बता रहे हैं हम, ये देखिए 2022-23 में, ये देखिए 1,35,87,893 करोड़ रुपए। अब इंडियन GDP इसका अपडेट कौन करता है, भारत सरकार करती है, इसको तो मानेंगे आप? इसको बोले आप जानकारी का अभाव,
जानकारी का नहीं, लोगों को पता नहीं है। नहीं आपको जानकारी का हो सकता है, मुझे जानकारी का अभाव हुए। भैया कांग्रेस से तेजी है, वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, हम लोग राष्ट्र से तेजी है तो हम लोग तो राष्ट्र हम लोग ये कांग्रेस ही तैसी या राष्ट्र ही तैसी की बात कहाँ से आ जाती? बीजेपी को अगर बात करते हैं, बीजेपी का विरोध, वो राष्ट्र का विरोध कैसे हो सकता है? भारत की बात करोगे तो वो कह देंगे भैया ये विरोधी हैं। मैं बता रहा हूँ, 2013-14 में जब मनमोहन सरकार की गवर्नमेंट गई थी, हम ये क्वेश्चन हम कांग्रेस से भी पूछते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था इसलिए गवर्नमेंट गई, हम मानते हैं। ठीक है, हम कांग्रेस भ्रष्टाचार हुआ, एक किसी मंत्री पे दाग लगा। ई टेंडर घोटाला किसका था? कौन सा ई टेंडर घोटाला किसका? ई टेंडर नहीं, कोल घोटाला सत्य। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला। 2014-15 में, 15-16 में नीरव मोदी और विजय माल्या भागा, किसकी सरकार थी? मध्य प्रदेश देश और बरगी पाटन विधानसभा के क्षेत्र के राजनैतिक परिदृश्य, राजनैतिक भविष्य को लेकर के चर्चा की। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।